ओके okay, तो ये थ्योरी हम कल स्टार्ट कर चुके थे दैट इज थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस सो इसका डेफिनेशन आई थिंक वो तो आपको याद होगा दैट इजाप्टिव िटी और एडजस्टेबिलिटी के ऊपर बेस्ड था दीस आप कहीं पे एडजस्ट कर सकते हैं या फिर आप कोई भी एनवायरनमेंट में रह सकते कोई भी वातावरण में जो मिक्स होकर रह रह सकते हो ना ये क्यों पाते हैं आपके इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग तो इंटेलिजेंस को बोला गया कि ये जो आप पहले आ, अपना ग्रोथ करते हैं एंड उसके थ्रू जो नॉलेज लेते हैं ये होता है जनरल आपके पास ना सारे चीजों का थोड़ा 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 थोड़ा, थोड़ा आइडियाज रहता है तो इसको बोलते हैं जनरल एबिलिटी आप उसके बाद एक छोटे छोटे भाग जो हुआ रहता है दैट मीन स्पेसिफिक पॉइंट पे चलते हो मीन्स मतलब एक फिक्स फिक्स पॉइंट पे चलेंगे एक जनरल एबिलिटी से आप फिक्स पॉइंट पे चलोगे तो उसको हम स्पेसिफिक एबिलिटी बोलेंगे इतना आपको पता है इतना मेंशन था इंटेलिजेंस का डेफिनेशन दो मेंशन है स्टर्न का एंड राइवन का उसके बाद ये आया था आपका कैरेक्टरिस्टिक्स सम एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके लिखे इसमें हम लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस तो यहाँ पे ना पॉइंट वाइज अगर मेंशन करे फर्स्ट हम किसके साथ रिलेशन देख रहे हैं इंटेलिजेंस का पहला तो चीज देख रहे हैं कि द रिलेशन ऑफ इंटेलिजेंस विथ नेचर एंड नर्चर ठीक है मैं अगर बोलू हेरिडिटी हेरिडिटी एंड एनवाइ आपका जो वंशानुक्रम है या अनुवंशिक और अनुवंशिकता है उसके साथ आपका जो एनवायरनमेंट है वो दोनों के कम्बिनेशन से आपको नॉलेज मिलता है वो दोनों के कम्बिनेशन से आपको नॉलेज मिलता है तो नॉलेज या इंटेलिजेंस आप कहाँ से लेते हैं आप अपने पेरेंट्स से ही लेते हैं दैट मीन्स पेरेंट्स से ये सिफ्ट होता है आपके अंदर एंड उसके साथ कौन इफेक्ट डालता है मतलब आपको तो इंटेलिजेंस पावर मिल गया बट ये पावर पॉजिटिव वे में वर्क करेगा या नेगेटिव वे में वर्क करेगा ये आपका एनवायरनमेंट डिसाइड करेगा ठीक है आप अगर अच्छे वर्क कर रहे दैट मींस आपका एनवायरनमेंट पॉजिटिव है आपको वहाँ पे पॉजिटिव थिंकिंग्स मिल रही है या पॉजिटिव कोई जजमेंट मिल रहा है आप जहाँ पे रहोगे तो बहुत अच्छा-अच्छा चीजें सीखोगे तो वो पॉजिटिव होगे अगर ये नेगेटिव एनवायरनमेंट है जहां पे नेगेटिव पर्संस रहेंगे बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स uh, रहेंगे स्टेडियो रहेंगे तो वहाँ पे सारा चीज नेगेटिव होगा तो आपका जो आईक्यू है वो धीरे धीरे डंप हो सकता है या फिर अगर पॉजिटिव में गया तो बहुत ही अच्छा हो सकता है अदरवाइज जो आपका इंटेलिजेंस है यहाँ पे दो तरह का चेंज हो गया दैट मीनस पॉजिटिव एंड नेगेटिव ठीक है तो इसके अंदर बोला गया सबसे इम्पोर्टेंट चीज दो है दैट इज नेचर एंड नर्चर दैट मीन्स हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट ये दोनों के प्रोडक्ट से ही दैट मींस ये दोनों को अगर आप जॉइन करेंगे तो उसके जॉइंट प्रोडक्ट में जो रिजल्ट मिलेगा उससे इंटेलिजेंस पावर में इफेक्ट होगा ठीक है पहला पॉइंट क्या सेकंड पॉइंट सो ये दोनों तो बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट रहेंगे अभी बताइए कि आप लोगों का एज अलग-अलग है हम सबका एज अलग-अलग है यहां पे जितने भी पर्संस हैं और स्टूडेंट्स आप लोगों का एज अलग अलग है तो आपके एज के अकॉर्डिंग आपका ना इंटेलिजेंस पावर भी अलग अलग है इंटेलिजेंस जो है आपका है, है, है। आपका कैपेसिटी कैपेसिटी है 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 वन काइंड ऑफ एबिलिटी एक टाइप का हम बोल सकते हैं कैरेक्टर है या गुण है तो ये आप में कभी ज्यादा भी है या कम भी है ये आपके ऊपर निर्भर करता है ठीक है आप कौन से एनवायरनमेंट पे रहते हो तो इसके अकॉर्डिंग ये कह सकते हैं कि ये लोगों के अंदर अलग अलग अमाउंट में है दैट मीन्स वेरी करता है चेंज होते रहता है अगर मुझ में आ, ये जो आई बोला जाता है या फिर इंटेलिजेंस पावर सौ है हंड्रेड परसेंट है तो आप में एटी परसेंट है किसी में हंड्रेड फोर्टी भी हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो सकता है जो कि बहुत ही सुपर टैलेंटेड होते वो सारे पर्सन ठीक है बिलो एवरेज डम और हम बोल सकते हैं उसको इडियट ऐसे टाइप के भी होते हैं इम्बेसाइल मोरोन आते हैं उसके ग्रुप भी होते हैं मैं बताऊंगी आज के क्लास में ठीक है इतना याद तैयार है समझ आ रहा है या फिर डाउट हो रहा है अगर डाउट है तो अभी बोल सकते हैं कोई डाउट है ये सुनो ये सुन लो चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते तो ये कहाँ हो गया ये मेजोरिटी आर एवरेज फ्यू आर ब्राइट एंड फ्यू आर डल तो इंटेलिजेंस पावर जो है और इंटेलिजेंस सब में डिफर करता है मीन्स इट इज वेराइटीज टाइप और इट इज वेरी फ्रॉम सॉरी इट इज वेरिड फ्राम स्पीसीज टू स्पीसीज हम बोल नहीं सकते यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे बायोलॉजी का हम यूज़ नहीं करेंगे तो यहाँ पे बोल सकते हैं इट इज़ वेरिड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल तो यहाँ पे जो मेजोरिटी ऑफ द पर्सन रहता है ना वो एवरेज वाला है तो यहाँ पर मैक्सिमम अगर हम लोग थ्री हंड्रेड स्टूडेंट्स हैं तो उसमें से हम बोलेंगे कि जितने स्टूडेंट प्रेजेंट है उसमें से बोलेंगे कि फिफ्टी परसेंट स्टूडेंट एवरेज में है फिफ्टी परसेंट बहुत ही ब्राइट में है एंड कुछ अमाउंट में जो है वो डल है ठीक है ऐसा टाइप का देन ग्रोथ ऑफ इंटेलिजेंस ये ग्रोथ ऑफ इंटेलिजेंस अगर देखोगे ना तो ये कैसे होता है चेंज जब आप <coughs> बाय बर्थ अर्थ में आते हो तो आपका इंटेलिजेंस पावर थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज करना स्टार्ट करता है जस्ट लाइक ऑल अदर टाइप ऑफ डेवलपमेंट जैसे प्रोसीड करता है वैसे ही होता है दैट मींस आपका डेवलपमेंट जैसे धीरे धीरे प्रोसीड कर रहा है उसी अकॉर्डिंग आपका इंटेलिजेंस पावर भी क्या होता है बढ़ते जाता है आपका बुद्धि का भी विकास होता है बट मैक्सिमम सिक्सटीन टू ट्वेंटी ईयर्स में ये क्या होता है उसके पिक पिक दैट मीन्स हाइस्ट पॉइंट तक रीच करता है पिक पॉइंट तक रीच करेगा या फिर हाईएस्ट पॉइंट तक रीच करेगा दैट मीन्स हम बोल सकते हैं ग्रोथ को अगर एक पहाड़ जैसा बना लो ठीक है ग्रोथ या डेवलपमेंट या इंटेलिजेंस को एक पहाड़ जैसा सोच लो एक छोटा बच्चा जब एक पहाड़ पे चढ़ेगा तो बहुत स्लोली चढ़ेगा बिकॉज उसके हाथ पैर बहुत छोटे हैं तो वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो चढ़ते जाएगा बट एक बड़ा इंसान जैसे कि टीन में हमारा मैक्सिमम ग्रोथ हो गया सेकेंडरी ग्रोथ आ गया हम बहुत ही अभी पावरफुल बनते जा रहे हैं एंड एज कंपेयर टू छोटे बच्चे हम बहुत ही स्ट्रांग हैं तो हम क्या करेंगे बहुत ही फास्टर जाएंगे तो ये होता है हॉराइजेंटल मूवमेंट एंड बहुत ही फास्टर

यहाँ पे एक ही लाइन में मेंशन कर दिया कि यहाँ पे ना कोई रिलेशन नहीं है सेक्स के साथ क्या बोले कुछ बोल हेलो कोई कुछ बोला कोई डाउट है एम आई ऑडिबल ना चलो सो इंटेलिजेंस एंड सेक्स डिफरेंसेस के अंदर कोई भी रिलेशन नहीं है नो रिलेशन ठीक है यहाँ पे आप ना तो सेंटेंस बना के एग्जाम्पल डाल के समझ ओके okay, अभी क्लियर है अभी सुनाई दे रहा है ओके इंटेलिजेंस एंड सेक्स डिफरेंसेस के अंदर कोई भी रिलेशन नहीं है देर इज़ नो रिलेशन बिटवीन द इंटेलिजेंस एंड द सेक्स डिफरेंस दैट मीन्स होता है कि आपका जो बुद्धि है और ये जो बोलते हैं सेक्स डिफ्रेंस मीन्स लिंग का जो भिन्नता वि, है और विभिन्नता होता है हमारे लिंग में अभी विभिन्नता बोल सकते हैं बिकॉज बहुत सारे टाइप्स के हो गए अभी ट्रांसजेंडर भी हैं गे भी हैं देन लेस्बियंस भी हैं हम भी हैं तो ये जो होता है ना अगर बायोलॉजी आप लोग पढ़ते तो वहाँ पे पता चलेगा कि ऊपर सुपर फीमेल्स भी, भी होते हैं सुपर मेल्स भी होते हैं अगेन ऐसे टाइप्स के भी होते हैं कुछ कुछ डिजीज वाले भी होते हैं तो उसको छोड़ देते हैं तो यहाँ पे ये पता चला कि हमारे सेक्स में डिफरेंसेस है मेल फीमेल ट्रांसजेंडर ऐसे टाइप के होते हैं अभी ये जो होते हैं अभी लोग क्या कहते हैं समाज में बोला जाता है कि ऐसा थिंक किया जाता है सोसाइटी में गर्ल्स आर नॉट एबल टू मैक्सिमम टाइम प्रॉब्लम्स आती है ये एप्स का कोई भी इश्यूज नहीं है आज आपका मैक्सिमम नेटवर्क वो अप डाउन होता है उसमें हम स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकते उसके फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल नहीं कर सकते ठीक है अभी चलो तो नेक्स्ट ये पॉइंट है कि इंटेलिजेंस एंड सेक्स डिफरेंस में कोई भी रिलेशन नहीं है मीन्स आपका बुद्धि ऐसा नहीं है पर्सन टू पर्सन भैरी करता है ठीक है बट ऐसा नहीं कि मेल्स में ज़्यादा होगा फीमेल्स में कम होगा या ट्रांसजेंडर में बिल्कुल ही नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं है मेल्स में जितना है उतना हो सकता है फीमेल्स में भी है एंड उतना हो सकता है ट्रांसजेंडर में भी है तो ये वैसा चेक नहीं करता कि ये आ, सेक्स के वजह से हो रहा है या लिंक के वजह से हो रहा है ये सब नहीं है अभी नेक्स्ट चलते हैं बाकी लोग सुन पा रहे जी जिनको प्रॉब्लम हो रहा है वो प्लीज एग्जिट करिए इन करिए अदरवाइज रुक जाइए मैक्सिमम मैं पढ़ाने जा रही हूँ आप लोग वेट थोड़ा सा वेट कर लो अदरवाइज क्या कर सकते हैं मेरा नेटवर्क इशूज मैडम क्या हो गया उनको अच्छा okay. ओके सो इंटेलिजेंस एंड सेक्स डिफरेंस का गया देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ द इंटेलिजेंस एंड द रेशियल और कल्चरल डिफरेंस रेशियल हम लोग करेंगे तो जाति आ जाएगा ठीक है यहाँ पे ना बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के ड्रेसेस होता है एंड उसके साथ अगर हम कल्चरल डिफरेंस देखते हैं तो कल्चर में भी वेरिएशन है जैसे बोल सकते हैं हिंदुज़्म है या फिर जैनिज़म है सिख है मुस्लिम है जो भी हम मुस्लिम को इस्लामिक भी बोलते हैं तो ये जो वेरिएशंस है तो इसके साथ इंटेलिजेंस का कोई रोल है क्या नहीं ऐसा नहीं है इंटेलिजेंस सबका बर्थ राइट है ऐसे भी नहीं बोलेंगे सबको ये बाय बर्थ ही मिलता है किसको ज्यादा मिलेगा किसको कम मिलेगा हेरिडि डिसाइड करते हैं या फिर एनवायरमेंट डिसाइड कर प्लीज म्यूट करिए प्लीज म्यूट करिए ओके सो इट इज नॉट ए बर्थ राइट ऑफ ओके तो हम ये कह रहे थे देर इज नो बर्थ राइट ऑफ इंटेलिजेंस फॉर एनी पर्टिकुलर ग्रुप और रेसेस दैट मीन्स यहाँ पे कास्ट रेस और कल्चर के बेसिस पे डिफरेंसेस नहीं रहता है दैट मीन्स आपका इंटेलिजेंसन नहीं करता है म्यूट कर लो प्लीज म्यूट कर लीजिए प्लीज The difference may be due to influence of environment. ये अगर difference आता भी है, तो वो किसके लिए आएगा? के आएगा। के वजह से नॉट मेमोरी को आप क्या बोलते हो हम बोलते हैं दैट इज स्मृति दैट मीन्स आप जो याद करके रखते हो स्टोर करके कर रखते हो ठीक है ये होता है लास्ट पॉइंट में दैट इज़ ये जो लॉस्ट आपका था द इंटेलिजेंस इज नॉट मेमोरी इवन विदाउट मेमोरी इंटेलिजेंस इज पॉसिबल मेमोरी जैसे हम बोलते हैं ना मेमोरी लॉस हो गया तो हम बोल सकते हैं कि आपका जो मेमोरी है इंटेलिजेंस इज पॉसिबल हम बोल रहे कब जब आपके पास बुद्धि है बट मेमोरी नहीं है मतलब आप ना कोई भी चीज़ पर आइडिया लगा सकते हो बट ये जरूरत नहीं है कि आप स्टोर करके रखो उसको ठीक है जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं ना कोई फंक्शन आप आ, कर दिए या फिर कोई इवेंट दिखा दिए कोई काम सिखा दिए तो वो ना फटाख से सीख लेता है बट कुछ टाइम के बाद कुछ डेज के बाद वो भूल जाता है ठीक है तो उस वजह से बोला गया इंटेलिजेंस इज़ नॉट मेमोरी इवन विदाउट मेमोरी इंटेलिजेंस इज़ पॉसिबल उसके सिवा हो सकता है बुद्धि हो सकता है, तो आपका स्मृति जरूरत नहीं है स्टोर करने की जरूरत नहीं है आप उसके बिना भी इंटेलिजेंस पावर कैरी कर सकते हो बुद्धि आपके पास हो सकता है ठीक है अभी नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज इंटेलिजेंस कैन बी सीन इन बोथ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर इन डेलीकुंसी दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि आपका जो नॉर्मल बिहेवियर हो या एबनॉर्मल बिहेवियर हो सब में आप आइडिया लगाते हो जैसे कि नॉ नेगेटिव एंड पॉजिटिव रोल्स रहता है ना टी वीज़ में जो टी वीज़ में मूवीज़ होते हैं या फिर कोई भी वेब सीरीज़ हो गया या फिर कोई भी सीरियल्स uh, वगैरह हो गया तो उसमें जो होता है ना नेगेटिव रोल पॉजिटिव रोल्स होते हैं मीन्स एक रहता है एट्रैक्टिव रोल एक रहता है नेगेटिव वाले रोल्स दैट मीन्स वहाँ पे हर एक चीज वो आइडिया जो भी करता है नेगेटिव रहता है तो उसमें भी आइडियाज जनरेट कर रहा है ना लगा रहा है ना दैट मीन्स वो मेमोरी को यूज कर रहा है अभी मेमोरी मतलब वो जो जो चीज इंटेलिजेंस के थ्रू पहले कर चुका उसी के थ्रू उसका नेगेटिव आइडिया जेनरेट हुआ है एंड उसको ही वो यूज कर रहा है ठीक है फैक्टर्स समझ आ गए फैक्टर्स बोल रही हो कैरेक्टरिस्टिक समझ आ गए ये सुन लो और कोई प्रॉब्लम है समझ आए ओके okay, अभी चलिए फैक्टर थ्योरीज मैंने लिखा है यहाँ पर फैक्टर थ्योरीज लिखा गया है यहाँ पर फैक्टर सिंपल नहीं है सिंपल जो हम बोलते हैं कारक या फिर कोई कारण होता है मीन्स इफेक्ट करता है वैसा चीज़ नहीं है यहाँ पे हम डायरेक्ट बोल रहे हैं फैक्टर थ्योरीज़ क्योंकि यहाँ पे कोई कोई एक कैरेक्टर को लोग यहाँ पे ना हम बायोलॉजी के टर्म्स पे अगर चलते हैं तो फैक्टर मीन्स होता है कैरेक्टरिस्टिक्स बायोलॉजी के टर्म्स पे अगर चलोगे तो फैक्टर्स मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक तो उस बेसिस पे यहाँ पे बोला गया आपके बुद्धि को हम एक तरह से अगर सोचेंगे दैट इज यूनिटरी फैक्टर अगर दो हिस्से में भाग करके सोचते हैं कि दोनों तरफ यूटिलाइज कर रहा हैं अपने इंटेलिजेंस को तो वो हो गया टू फैक्टर अगर मल्टीपल वेज में मल्टीपल एरियाज में यूज करता है तो वो हो गया मल्टीपल फैक्टर और मल्टी डायमेंशनल ठीक है वो अगर बहुत सारे भिन्न भिन्न अवस्था में अगर यूज किया तो उसको हम मल्टी डायमेंशनल बोलते हैं या फिर मल्टीपल फैक्टर बोलते हैं तो यहाँ पे उसको मल्टीपल फैक्टर के बाद और भी अगर एक्सटेंड हो जाता है मीन्स मोर देन फाइव और सिक्स और सेवन अगर पॉइंट्स में वो यूज़ करता और एरिया में वो यूज़ करता तो उसको बोलते है ग्रुप फैक्टर थ्योरी ग्रुप में वो यूज़ किया अभी एक एक करके चलता है तो पहला थिंग था हमारा यूनिटरी थ्योरी और मोनार्किक थ्योरी तो यहाँ पे ना पहले हम जो जो इम्पोर्टेंट है जो आपके हर एक के पेपर में होता दैट मीन्स आपके कुक कुरुक्षेत्र में भी होगा कुक यूनिवर्सिटी में या फिर वाई वी यू दैट इज योगी वर्मन यूनिवर्सिटी और नागाचुना यूनिवर्सिटी आप लोग अगर चेक करोगे अपने बुक को तो ये चार थ्योरी मैक्सिमम बुक में प्रेजेंट रहेगा ठीक है उसके बाद एक्स्ट्रा थ्योरीज बाद में आएंगे तो ये जो चार थ्योरी है तो इसको पहला थ्योरी यूनिटरी फैक्ट थ्योरी और यूनिटरी थ्योरी बोल सकते हैं यूनिटरी फैक्ट थ्योरी भी बोलते हैं यूनिट फैक्ट थ्योरी भी बोलते हैं इसके मल्टीपल नेम्स हैं एंड उस नेम्स को भी आप जान के रखो बिकॉज एग्जाम्स में थोड़ा सा अगर ट्विस्ट करके दिया अभी यूनिटरी थ्योरी पता है बट यूनिट फैक्टर थ्योरी नहीं पता तो आप कंफ्यूज हो जाओगे तो याद रखना यूनिटरी थ्योरी को यूनिटरी फैक्टर थ्योरी और यूनिट फैक्टर थ्योरी में बोलते हैं ठीक है और इसको कहा जाता है मोनार्किक थ्योरी मोनार्किक थ्योरी यूनिट यूनिट हिंदी में होता है इकाई हो गया इकाई कारक थ्योरी और इकाई गुण थ्योरी ठीक है So, उसमें पहले चलते हैं तो ये थ्योरी मैंने बोला था इसको स्टोरी जैसा याद रखो तो ये थ्योरी किसने डिस्कवर किया बिने ने बी आई एंड ई टी फैन बिने होगा बट टी लगेगा लास्ट में ठीक है बिने ने किया था बट इनके वर्क को एक्सपांड किसने किया स्टर्न एंड टर्मन ने स्टर्न एंड टर्मन ने स्टर्न एस टी आर एन एंड टर्मन टी ई आर एम ए एन टमन ठीक है ये दो पर्सन ने क्या किया उनके वर्क को एक्सपांड कर दिया तो इस थ्योरी में मेंशन किया गया है कि आप ना कोई सिचुएशन में फिट होने के लिए आप क्या करते हो अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करते हो जब भी आपको कोई सिचुएशन में डाला गया सपोज यू आर नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ डिस्को और क्लब ठीक है आप uh, पसंद नहीं करते हो डिस्को जाने के लिए क्लब जाने के लिए बट फॉर द फर्स्ट टाइम आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो इसलिए आप वहाँ पे गए ठीक है अब जब आप गए तो आप क्या कर रहे हो एडजस्ट कर रहे हो धीरे धीरे तो एडजस्ट करते हुए आप देखोगे अपने दिमाग में ना बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं कि ये ऐसा है ये ऐसा है मैं ऐसा आज थोड़ा कर लूँ तो चलेगा तो ये जो थॉट्स होते हैं आप एक जगह के हिसाब से वर्क करना स्टार्ट करो इसलिए यूनिट फैक्टर थ्योरी और यूनिटरी थ्योरी है ठीक है तो यहां पे बोला गया बच्चों के हिसाब से एक एग्जाम्पल दे रही हूं ए चाइल्ड मे हैव गुड इंटेलिजेंस ऑफ मैथ बट मे बी फोर इन सिविक्स बच्चों में एक कैरेक्टर बहुत अच्छा होगा कोई एक सब्जेक्ट में वो बहुत ही अच्छा है जैसे कि हम पहले बहुत ही टेंशन में आते हैं अगर आर्ट्स स्टूडेंट्स को मैथ्स दे दो तो वो डिफिकल्ट समझता है वैसे साइंस स्टूडेंट्स को अगर हिस्ट्री दे दो तो उसको डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि वहां पर बहुत सारे थ्योरीज रहते हैं स्पेशली केमिस्ट्री फिजिक्स बच्चों को तो ये प्रॉब्लम होता है कभी कभी तो छोटे बच्चों में आपको डिसाइड करना है कि वो कौन सा सब्जेक्ट में बहुत ही गुड है या कौन सा सब्जेक्ट में बहुत ही बैड है तो वहाँ पे अगर आप नोटिस

कर सकता है उसके साथ खुद को एडजस्ट कर सकता है एंड उसके साथ टैली करके चल सकता है तो ये चीज होता है यूनिटरी मैं एक जगह पे एक काम पे ही मन दे सकता दूसरे काम को नहीं इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया गया ठीक है यूनिटरी थ्योरी कंप्लीट हुआ समझ आया कोई प्रॉब्लम है समझ आया यस और नो फटाफट बोलिए Oh, अभी नेक्स्ट थ्योरी में चलते हैं दैट इज मोनार्किक थ्योरी था ठीक है एक गुण के ऊपर था अभी चलते हैं हम एनार्किक थ्योरी में मल्टी फैक्टर थ्योरी नाम के हिसाब से याद रखो एनार्किक और मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने डिस्कवर किया थॉर्न डाइक थॉर्न डाइक ठीक है थॉर्न डाइक एक साथ बोलते हैं तो आर प्रोनाउंस नहीं होता है थोड़ा साइलेंट हो जाता है अदरवाइज आप जब लिखो उसके लिए याद रखो थर्न डाइक ठीक है डाइक का कंसेप्ट बहुत सारे हैं उनके थ्योरी भी बहुत सारे हैं बट यहाँ पे उनका मल्टी फैक्टर थ्योरी और एनार्किक थ्योरी इंपॉर्टेंट है क्या है उन्होंने बोला <coughs> ये जो इंटेलिजेंस है ना ये कम्बिनेशन ऑफ न्यूमरस सेपरेट एलिमेंट्स है बहुत सारे एलिमेंट्स को लेके बना हुआ है बहुत सारे एलिमेंट्स इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इसमें एक फैक्टर नहीं है एक गुण को लेकर नहीं हुआ है बुद्धि का विकास एक तरफ नहीं होगा बहुत सारे चीजों में होगा जैसे आपका बुद्धि का विकास पढ़ाई में भी हो गया खेल कूद में भी हो गया आपका बुद्धि का विकास कोई क्रिएटिव आइडिया में भी हो गया ड्राइंग में हो गया डांस में हो गया सब में हो गया तो ये होता है मल्टीपल बहुत सारी चीज बहुत सारे एलिमेंट्स को एक साथ हमने जोड़ लिए ठीक है गुण एक ही है बट गुण के हमने भाग किए हैं तो छोटे-छोटे गुण बन गए बुद्धि के ही अभी उस गुण को लेके हमने एक बड़ा चीज बना लिया दैट इज मल्टीपल इंटेलिजेंस फैक्टर ठीक है और मल्टीपल फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ये थ्योरी को किसने डिस्कवर किया थॉर्नडाइक ने सो अकॉर्डिंग टू हिम द माइंड इज अ होस्ट ऑफ हाइली पर्टिकुलराइज्ड एंड इंडिपेंडेंट फैकल्टीज यहाँ पे ना माइंड को आप जिस टाइम पे जिस जोन पे रखना चाहते हो उस जोन पे काम करेगा जैसे कि आप कोई शादी में गए तो आपके माइंड को बोलोगे अभी हैप्पी रहना है बहुत ही मस्ती करना है आपको ये काम करना है वो काम करना है। तो आप उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद के माइंड को चेंज किए अभी आप हॉस्टल में हो तो आपका माइंड उस अकॉर्डिंग चेंज होगा आप अभी आप अपने रिलेटिव्स के साथ हो तो उस अकॉर्डिंग रिस्पेक्ट वाला सारा कुछ आएगा अभी आप दोस्तों के साथ हो तो अलग ही बिहेव करोगे तो ये जो चार पांच टाइप के मैंने कैरेक्टर बोले ना वो इंटेलिजेंस के ही है बट इसलिए बोला गया पर्टिकुलराइज हाईली पर्टिकुलराइज में आप जब रहते हो उसी के जैसे आप बिहेव करते हो ठीक है ये इंटेलिजेंस के थ्रू ही हो सकता है एंड ये इंडिपेंडेंट फैकल्टीज है जैसे एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए कॉलेज में क्या होता था दो तीन टीचर होते थे वैसे ही यहाँ पे इंटेलिजेंस के लिए भी दो तीन कैरेक्टर है और एरिया है हर एक एरिया में अलग अलग बिहेव करना है तो अलग अलग बिहेव करना मीन्स अलग अलग फैकल्टीज बोलना ठीक है अभी क्या है सपोज द थ्योरी मेंटेन्स दैट फ्रॉम ए मैंस एबिलिटी टू डू वन काइंड ऑफ वर्क वी कैन इन फॉर एब्सोल्यूटली नथिंग एज टू हीज एबिलिटी टू अनदर काइंड ऑफ वर्क्स ठीक है अभी बोला गया कि यहाँ पे जब आप एक तरह का काम कर रहे हो तो वहाँ पे ना कोई भी आपको इंटरफेयर भी नहीं करेगा कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा आप एक तरह के ही काम करोगे बट जब आप दूसरे जोन में जाते हो तो उस हिसाब से काम करोगे ना कि पहले जैसा एज प्रीवियस जैसे आप वर्क कर रहे थे वैसे वर्क नहीं करेंगे ठीक है सपोज <coughs> गुड इन लिटरेचर में एक बच्चा एक लड़का बहुत अच्छा है तो वी कैन जज हम उसको जज नहीं कर सकते एक साथ लिख सकते वी नॉट जज और जज हिम अकॉर्डिंग टू लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू हम लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू में समझते हैं अगर एग्जामिन करते हैं ना कि बच्चा लिटरेचर में बहुत अच्छा है बट वो केमिस्ट्री में अच्छा नहीं होगा या सब बोल सकते हैं क्या नहीं हो सकता है कि वो मल्टीपल सब्जेक्ट्स में अच्छे हो तो अगर मल्टीपल सब्जेक्ट्स में अच्छा हुआ मतलब मल्टीपल एरियाज में अच्छा हुआ दैट इसको मल्टीपल बोलेंगे ठीक है ये होता है इसके पॉइंट ऑफ व्यू में इतना है एंड उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बोला कि हम जिस टाइम पे जिसके साथ डील करते हैं है। उस हिसाब से यहाँ पे इंटेलिजेंस को थ्री वे में डिवाइड कर दिया सो थ्री पार्ट्स है फर्स्ट वन सोशियल इंटेलिजेंस सोशियल वर्ड सुनते हैं तो मैं कितने बार बोली हूँ सोशियल मीन्स आप क्या करते हो सोशियाबिलिटी कैरी करते हो दैट मीनस सामाजिकीकरण मींस समाज में रहने के लिए जो आपके पास क्षमता है उसके अकॉर्डिंग ठीक है हम अभी मनुष्य है या फिर ह्यूमन बींगस है सो वी आर लिविंग इन सोसाइटी सो वी नीड सोशल सोशियल एबिलिटी और सोशबिलिटी दैट मीन्स हमें अगर सोशलाइज होना है सोसाइटी में रहना पड़ेगा तो सोसाइटी में जो ह्यूमन बींगस है उसके साथ डील करना पड़ेगा तो उसके लिए जो इंटेलिजेंस चाहिए इंटेलिजेंस नेक्स्ट कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस सो सोशियल इंटेलिजेंस को हिंदी में क्या बोले थे सामाजिक बुद्धि समाज में रहने के लिए जो बुद्धि चाहिए सामाजिक बुद्धि कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस अभी कॉन्क्रीट मींस होता है ठोस मतलब उसका एक डेफिनेट सेप है साइज है कौन सी चीजों का डेफिनेट सेज सेप एंड साइज होता है कोई भी थिंग्स का वस्तुओं का तो इसमें हम डील करते हैं कोई भी थिंग्स के साथ जैसे आपने एप्पल को पकड़ा या बुक्स पकड़ा या फोन को पकड़ा या फिर कोई एक कैन पकड़ा या जार पकड़ा कुछ भी पकड़ा तो उसका एक डेफिनेट सेप होता है ना अगर आपको बोला जाएगा कि ऑक्सीजन को पकड़ो तो वो एक डेफिनेट कंटेनर में नहीं होगा तो आप पकड़ नहीं सकते ऑब्वियस गैस को हाथ में पकड़ पाओगे क्या नहीं ना तो जिसका कोई भी एक डेफिनेट सेप एंड साइज होता है या फिर सेप होगा उसका सेप होगा एंड uh, उसके एक डेफिनेट आकार होंगे तो उसको हम थिंग्स बोलते हैं या वस्तु तो बोलते हैं तो उसके साथ ये यूज किया जाता है इंटेलिजेंस पावर दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस पावर इज यूज टू डील विथ थिंग्स कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस इसको हम बोलते हैं ठीक है थीके? अभी आता है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है मैंने बहुत बार बोला है कि छोटे छोटे पॉइंट्स को चलो, छोटे, -छोटे को जब चलते है न, वो गिटार बजाता है बट आप क्या देख रहे हो बाहर से क्या देख रहे हो वो गिटार बजा रहा है बट गिटारिस्ट जानता है कौन से ऑयर पे अगर वो थोड़ा सा बजाता है या फिर प्रेशर देता है तो साउंड क्रिएट होगा तो वो होगी जो उसके स्ट्रिंग्स हो गए ना या फिर और बोल लो तार बोल लो स्ट्रिंग्स बोल लो तो उसके ऊपर तो हम चल रहे हैं छोटे पॉइंट्स पे ना कि बिगर पॉइंट्स पे छोटे पॉइंट्स पे अगर आपको कहीं पे वर्ड्स को अरेंज करके बताना है तो आप क्या करोगे भर्बल आप यहाँ पे भर्ब्स यूज नहीं कर रहे हो वर्ब्स के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि वर्ड्स बनाना अल्फावेट्स का यूज करना अरेंज करना उसके सेंटेंस मेकिंग करना तो उसके साथ हम डील करते हैं एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस के थ्रू अभी एब्स्ट्रैक्ट का हिंदी मीनिंग होता अमूर्त अमूर्त इंटेलिजेंस और अमूर्त बुद्धि ठीक है मैथमेटिकल में क्या यूज करते हो सिम्बल्स प्लस माइनस मल्टीपल साइन होता है डिविजन साइन होता है तो ये सारे सिम्बल्स है ना इसको हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं मैथमेटिक्स तो अगर पूरा जनरल देखते तो है बट उसके आता है एबस्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस अच्छा इतना समझ आया सुनो इस थ्योरी को समझ पाए थोंडाइक का मल्टीफैक्टर थ्योरी ओके नेक्स्ट स्पीयर टू फैक्टर थ्योरी अभी दो फैक्टर आएगा स्पीकर का दो फैक्टर थ्योरी कौन सा चीज रिपीट करू कौन सा पॉइंट रिपीट करू बताइए विच वन अच्छा यहाँ पे जो फैक्टर्स था थ्री काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस ये जो मल्टी फैक्ट थ्योरी में आपके जो तीन इंटेलिजेंस है उसको आई थिंक बोल रहे हैं। आप सोशल इंटेलिजेंस जो होता है हाउ टू एडजस्ट विद द सोसाइटी और हाउ टू डील विद द सोसाइटी और सोशल पर्सन मीन सोसाइटी में जो भी इंसान है उसके साथ आप कैसे डील करते हो उसको लेके अगर कोई भी इंटेलिजेंस बुद्धि लगाते हो तो वो होता है सोशियल इंटेलिजेंस और सामाजिक बुद्धि कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस नेक्स्ट आया नंबर टू में कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस सो कॉन्क्रीट होता है कोई भी ठोस सॉरी वस्तु वस्तु जिसका कोई डेफिनेट शेप होता है साइज होता है उसके मतलब आकार होंगे, है ना? आप उसको होल्ड कर सकते हैं तो उसके लिए जो बुद्धि लगाते हो कॉन्क्रीट है एंड लास्ट जो एब्स्ट्रैक्ट है तो एब्स्ट्रैक्ट में दो चीज आते हैं एक होता है आपको शब्द को अरेंज करना दैट इज शाब्दिक शाब्दिक हम क्या बोल सकते हैं शाब्दिक गुण तो उसको बोला जाता है शब्द को कैसे बनाए अब सॉरी वर्ड्स को अरेंज करेंगे तो सेंटेंस मिलेंगे एंड सेंटेंसेस को आप डिफरेंट वे से यूज करते हैं तो उस अकॉर्डिंग ये डील करता है भर्बल दैट मीन्स आपके जो स्पीकिंग एबिलिटीज है उसके साथ एंड लास्ट रहता है मैथमेटिकल सिंबल दैट मीन्स यहाँ पे सिंबल्स यूज करते हैं हम लोग सिंबल्स यूज करते हैं प्लस माइनस और डिवीजन uh, वाला सिंबल मल्टीपल मल्टीप्लिकेशन करना है तो उसके लिए सिंबल्स आप लोग यूज करोगे वाला सिंबल्स आप लोग यूज़ करोगे तो वो सब रहता है आपका एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस में दैट इज अमूर्त चिन्ह और अमूर्त बुद्धि बोल सकते बिकॉज यहाँ पे चिन्ह का यूज होता है चिन्ह आप व्यवहार करते हो तो इसलिए अमूर्त आ गया अमूर्त इंटेलिजेंस और अमूर्त बुद्धि ठीक है अभी नेक्स्ट चलते हैं स्पीयर टू फैक्टर थ्योरी अब अभीरमै थ्योरी को इलेक्ट्रिक थ्योरी भी बोलते हैं इलेक्ट्रिक नॉट इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक थ्योरी और इलेक्ट्रिक थ्योरी तो ये थ्योरी बहुत ही पॉपुलर है एंड एक्सेप्टेबल भी है सब ने इसको एक्सेप्ट कर लिया ग्रहण कर लिया ठीक है तो ये वेरी पॉपुलर थ्योरी एंड अकॉर्डिंग टू तो स्पियर मैं, मैं के अकॉर्डिंग बोला गया है जो इंटेलिजेंस है ना कोई चीज को बना सकता है ठीक है इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक कंस्ट्रक्टिवली कंस्ट्रक्टिवली मीन्स कंस्ट्रक्ट आप कर सकते हो बना सकते हो कोई चीज़ को बना सकते हो कंस्ट्रक्टिवली अभी स्पीयरमैन 1927 में दो एबिलिटीज को डिफाइन करते हैं एक होता है जी और एक होता है एस जो आप पहले भी पढ़ चुके हो जेंडर एबिलिटी एंड स्पेशल एबिलिटी आपके पास ये कैरेक्टर है कि आप ना लैंग्वेज मास्टर हो दैट मीन्स आपको ना मल्टीपल लैंग्वेज आते हैं ठीक है उसके बाद ये जब मल्टीपल का बात आता है ना बहुत सारी चीजें आते हैं तो उसको बोलते हैं जनरल। अगर आपको बोला गया कि आप ना लैंग्वेज मास्टर है बट आपको हिंदी बहुत अच्छे से आता है तो दैट मीन्स हो गया स्पेशल कैरेक्टर हमने एक स्पेशल लैंग्वेज के ऊपर बोला जो कि मैंशन है एज अ हिंदी ठीक है तो यहाँ पे हो गया स्पेशल कैरेक्टर के लिए एस स्पेशल एबिलिटी के लिए एस तो जी प्लस एस आप कैरी करते हो अभी बोला गया आप लैंग्वेज मास्टर हैं एंड आपको ना ओडिया बहुत अच्छे से आता है तो यहाँ पे हो गया जी प्लस अगेन एस तो दोनों एस को अगर लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा ऐसे में क्योंकि यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं कि जो भी कैरेक्टर है उसको अलग अलग नाम से लिखेंगे तो यहाँ पे हिंदी के लिए S1 लेंगे और उड़िया के लिए S2. तो बोल सकते हैं प्लस एस टू है, है, है। यहाँ पे वही चीज मेंशन किया गया देखिए। ऑलवेज क्या होता है आपका जो जनरल एबिलिटी है वो स्पेशल एबिलिटी के साथ काम करता है ठीक है आप जैसे एग्जाम देने जा रहे हो ना परीक्षा देने जा रहे हो तो वहां पे आप ना सारे सब्जेक्ट को पढ़ के जाते हो ठीक है बट उसमें से एक सब्जेक्ट आपका फेवरेट होता है तो सारा सब्जेक्ट हो गया तो हम मेंशन कर सकते हैं वो जनरल एबिलिटी है उसमें से एक सब्जेक्ट फेवरेट है तो जो सब्जेक्ट फेवरेट है वो स्पेशल एबिलिटी है तो ऑलवेज क्या होता है ना जनरल के साथ स्पेशल जुड़ा हुआ रहता है दैट इज अ कंजक्शन टाइप कंजक्शन टाइप जुड़ा हुआ रहेगा कॉन्जॉइंट टाइप और कंजक्शन टाइप ठीक है अभी मेंशन किया गया यहाँ पे एग्जांपल देखिए जो एग्जांपल मैंने दिया था वैसे ही एग्जांपल है सो so, ये देखो फर्स्ट जी प्लस एस वन सो एन इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस इन हिंदी इज प्राइमरली ड्यू टू हिज जनरल इंटेलिजेंस एंड पार्टली टू सम काइंड ऑफ स्पेसिफिक एबिलिटी इन लैंग्वेज सो एक बच्चा का और एक पर्सन का हिंदी में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है ये किस लिए है बिकॉज उसके पास जनरल इंटेलिजेंस है उसका बुद्धि है जनरल बुद्धि है जनरल आइडियाज़ है बहुत सारे आइडियाज़ है एंड पार्टली इसलिए बोल सकते हैं कि उसके पास स्पेसिफिक एबिलिटी और स्पेशल एबिलिटी है लैंग्वेज के ऊपर सो so बुद्धि के लिए हमने जी यूज किया एंड स्पेशल एबिलिटी के लिए हमने यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज से मेंशन है इसलिए एस वन लिया ठीक है वैसे यहाँ पे मेंशन किया गया नेक्स्ट लाइन में द एबिलिटी इन मैथ विल बी ड्यू टू जी प्लस एस टू तो यहाँ पे पूरा फिर से तीन लाइन लिखा नहीं गया क्या मेंशन किया गया आपके पास पहले से ही जनरल इंटेलिजेंस है तो जी फिर आपको बोला गया तो आप हिंदी में अच्छे थे तो एस वन लिए थे अभी आप मैथ्स में अच्छे हो तो हम एस टू लेंगे ठीक है सो आपके पास कॉमन क्या चीज है जी जी इज कॉमन इन एवरी पॉइंट और जी जनरल आइडियाज है इसलिए दोनों में रहेंगे स्पेशल आइडियाज फॉर द फर्स्ट केस इज हिंदी फॉर द सेकंड केस इट इज मैथ ठीक है तो इस दोनों के लिए स्पेशल एबिलिटी चेंज हुआ बट आपका जनरल एबिलिटी चेंज नहीं हुआ ठीक है ये होता है स्पीयस टू फैक्टर थ्योरी एक फैक्टर हो गया जी और एक फैक्टर हो गया एस ठीक है याद रखिएगा दो फैक्टर होते हैं सबके पास एक होता जनरल एबिलिटी और एक होता है स्पेसिफिक और स्पेशल एबिलिटी जैसे कि हम पढ़ाई भी कर रहे हैं बट हम पढ़ाई के साथ कुकिंग भी अच्छा करते हैं तो ये कुकिंग वाला जो चीज हो गया ये स्पेशल कैरेक्टर है आपके लिए ठीक है सबका ऐसा कैरेक्टर डिफरेंट डिफरेंट रहता है सो so, स्पीयरमैन समझ में आया स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी समझ आया यस और नो ओके चलते नेक्स्ट मैं चल सो नेक्स्ट आगे थर्ड स्टोन ग्रुप फैक्ट थ्योरी अभी कितने थ्योरी पढ़ ले तीन थ्योरी पढ़ ले पहला था मोनार्किक थ्योरी और बोल सकते हैं उसको यूनिट फैक्टर थ्योरी और यूनिटरी थ्योरी जिसको डिस्कवर किया बीने ने बी आई एन ई टी बट प्रोनाउंसिएशन इज बीने बी आई एन ई ठीक है प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग बी आई एन ई

तो यहाँ पे ना ग्रुप फैक्टर इसलिए मेंशन है बिकॉज बहुत सारे यहाँ पे कंपोनेंट्स हैं छोटे 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 पार्ट्स हैं बहुत सारे बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे हैं तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि ये जो थ्योरी है ना आपका जो थर्स का ग्रुप फैक्टर थ्योरी ये दो थ्योरी के बीच में आता है दैट इज जस्ट लाइक ए हैंगिंग बिटवीन द टू फैक्टर्स पहला फैक्टर है या पहला थ्योरी है थ्योरी जिसको हम बोले एंड थ्योरी है Spearman's theory. ये दो के बीच में आपका का ग्रुप -factor theory हैंगिंग है. Means हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि उसने आ, क्या किया इस थ्योरी को दोनों थ्योरी के बीच में रखा मीन्स होता है वो Thondike's से भी कुछ आइडिया लिया स्पियर से भी कुछ आइडिया लिया दोनों के आइडियाज को मिला के एक तीसरा न्यू आइडिया बना लिया न्यू आइडिया बना लिया जिसको हम मेंशन करते हैं तो पे कितने कितने थे Total थे थे ठीक है Total कितने थे? Nine. अभी याद करने के लिए आप क्या करोगे पहले तो इसके फर्स्ट जितने भी लेटर्स हैं उससे याद रखना दैट इज भी है ना तो इसको आप मेंशन कर देना वी स्क्वायर ठीक है फिर एन पी ठीक है एन पी के बाद आई एस आई एस हो गया अभी एम डी पी एम डी पी ऐसे करोगे तो आपको पता रहेगा कि कहाँ पे क्या है अभी उसके बाद हम रिमेम्बर कर सकते हैं वर्ड के अकॉर्डिंग तो फर्स्ट हम चलते हैं भर्बल कंप्रीहेंसन फैक्टर भर्बल कंप्रीहेंसन फैक्टर में यहाँ पर ना हम टोटल सेंटेंस मेकिंग नहीं करेंगे ऑलवेज याद रखना कि इंग्लिश में किसी किसी को प्रॉब्लम भी रहता है किसी को नहीं भी रहता है कोई बात नहीं तो आप क्या करोगे कि उसके हेडिंग्स को डाल दिए उसके बाद जो उसके वर्ड्स होता है ना मीन्स उसके साथ बेसिक कौन सा वर्ड जा रहा है तो उसको हम शॉर्टली से कर देते हैं उसमें क्या होता है टाइम भी कम लगता है एंड आप अच्छे से समझ सकते हैं हाँ बताइए बोलिए यस हाँ ना पैराग्राफ वाइज लिखवाना ही पॉइंट वाइज लिखिया रची सब जगह को अपन पॉइंट वाइज लिखिए क्योंकि अभी पैराग्राफ वाइज किची लिखिए नहीं है ना खाली पॉइंट वाइज लिखिया रची पैराग्राफ वाइज किची भी लिखे.

चलो नेक्स्ट सो फर्स्ट फैक्टर वर्बल भर्बल फैक्टर वर्ड्स एंड जुड़ा हुआ है ठीक है आपको याद रखना है verbal कितने Two times आया आया अभी के साथ क्या-क्या है तो भर्बल को हम हिंदी में बोलते मौखिक 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 तत्व अभी भर्बल फैक्टर बोल सकते हो बट यहाँ पे फैक्टर तो दो जगह पे लिखा है एक फैक्टर फैक्टर है, है। तो कंप्रीहेंशन यहाँ पे ना हम कंप्रीहेंशन मीन होता एक्सप्लेनिंग वे में लेते हैं कोई भी चीज को एक्सप्लेन करते हो तो वो कंप्रीहेंसिव पार्ट है ठीक है फ्लुएंसी पार्ट जहां पे आप अच्छे से कर रहे हो तो ये होता है दो चीज कहाँ पे आप वर्ड्स को जेनरेट किए और कहाँ पे रैपिडली वर्ड्स को जेनरेट किए तो उसके अकॉर्डिंग दो चीज आया एक आया मौखिक तथ्य भरवल फैक्टर है, है जहाँ पे आप ओनली शब्दों का क्या करोगे यूज करोगे दैट मीन्स यू यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड एंड देयर आइडियाज कैसे वो वर्ड्स को जेनरेट किए कैसे वर्ड्स को बनाए उसके बेसिस पे नेक्स्ट आता है भरबल फ्लुएंसी फैक्टर तो को को भी भी कहते है। वर्ड फ्लुएंसी भी कहते हैं, हैं, आप एक प्रनाउंस करते हुए कितना फ्लुएंसी मेंटेन करते हो कितना प्रॉपरली एक्यूरेटली बोलते हो उसको देखा जाता है तो दैट इज कॉल्ड वर्ड फ्लुएंसी फैक्टर और वर्बल फ्लुएंसी फैक्टर को कहते हैं शाब्दिक प्रवाह शाब्दिक प्रवाह

न्यूमेरिकल फैक्टर्स में आप क्या करोगे एरिथमेटिक एबिलिटी मैथ्स करने के लिए जो एबिलिटी चाहिए ये इसमें रहता है ठीक है अभी उसके बाद फोर्थ पे आया परसेप्चुअल स्पीड फैक्टर कोई भी चीज को ग्रहण करने का ठीक है प्रत्यक्षीकरण हम लोग बोलते हैं एक आप लोग सिविक्स में या फिर हिस्ट्री में पढ़ते होंगे अगर आ, इंग्लिश मीडियम को छोड़ के आप लोग हैं यहाँ पे उड़िया हिंदी मीडियम से हैं देन आप लोगों को पता होगा एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं प्रत्यक्ष है? तो उसी के अकॉर्डिंग परसेप्चुअल होता है कोई भी चीज को ग्रहण करना ग्रहण आप कब कर सकते हो जब आप वहाँ पे सीधे सीधे खड़े हो एंड देख रहे हो कोई चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो ठीक है ऑब्जर्व कर रहे हो आपने ऑब्जर्व किया देखा अवलोकन किया आपने समझा, तो ये हो हो गया परसेप्शन। परसेप्शन। कितना फास्ट कर रहे हो, अभी होता है ना किसी किसी इंसान को हम लोग बोलते हैं वो ह्यूमन कैलकुलेटर है दैट मीन्स उसको अगर कोई भी नंबर दे तो मल्टीप्लाई करने के लिए वो फटाफट कर देता, है डिविजन करने के लिए दे तो फटाफट कर लेता है तो उनका माइंड में स्पीड बहुत ज्यादा है वो कोई भी चीज को रिकॉग्नाइज बहुत फास्ट कर सकते हैं तो रैपिड रिकॉग्निशन ऑफ वर्ड्स एंड लेटर्स तो इसके थ्रू क्या होता है आप कोई भी शब्द को अगर सुनते हो तो उसको बहुत जल्दी से आप क्या कर सकते शीघ्रता के साथ आप उसको ग्रहण कर सकते हो एंड उसको याद रख सकते हो ठीक है इसके बाद और क्या आएगा इंडक्टिव मैंने ये बोला था इंडक्टिव मीन्स होता है निगमन ठीक है इंडक्टिव मीन्स होता है निगमन एंड डिडक्टिव मीन्स होता है क्या होगा आगमन अभी दो चीज आ गया कि इंडक्टिव एंड डिडक्टिव ठीक है इसको पहले भी पढ़ेंगे कि क्या होता है इंडक्टिव में क्या होता है मैंने पहले भी बोला था अगर इंडक्टिव आप सोच रहे हो ना कि मुझे एक बड़े से घर पे जाना है बट उसके लिए रास्ता छोटा है ठीक है तो ये छोटा रास्ता होता है स्पेसिफिक आइडिया बड़ा घर होता है जनरल आइडिया बड़ा आइडिया ठीक है छोटे से बड़े की तरफ चल रहे हो तो दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव उसका opposite सोचो अभी बड़े घर से बाहर आ रहे हो ठीक है होता होता है आगमन and होता है निगमन. है ठीक छोटे से बड़े को जाना निगमन इंडक्टिव बड़े से छोटे को आना सॉरी बड़े से छोटे को आना दैट इज आगमन हो गया कोई भी रीजनिंग मीनस आप तर्क लगा रहे हो ना डिबेटिंग कर रहे हो किसी के साथ बातचीत कर रहे हो उसमें जो आइडियाज लगाते हो ना वो पहले छोटे पॉइंट से लगाना चाहिए क्योंकि आपको बेसिक पॉइंट तक पहुंचना है जनरल आइडिया तक पहुंचना है तो छोटे से स्टेप लो बड़ा तक पहुंचोगे वो हो गया इंडक्टिव अभी आपको सब कुछ पता है क्या करेंगे अभी डिटेल्ड में जाना है तो डिटेल्ड मीन्स एक साथ तो हम दस जगह पर डिटेलिंग नहीं कर सकते ना एक ही जगह पे करेंगे तो एक तरफ जाएंगे मूव करेंगे ठीक तो है वो हो गया डिडक्टिव तो इंडक्टिव यहाँ पे मेंशन मेंशन है है नेक्स्ट में रीजनिंग ठीक है अभी इसके बाद नेक्स्ट आता स्पेशियल विजुअलाइशन फैक्टर नहीं है स्पेशल है तो ये स्थान होता है स्थान संबंधित या फिर वस्तु संबंधित किसी चीज के बारे में आप जानना चाहते हो जैसे कि एक मंदिर गए तो मंदिर का बोला जाता ना अच्छा वहां पे तुम गए थे ना इस मंदिर का आकार कैसा है उसका सेप एंड साइज कैसा है बताओ उस एरिया में कितना जगह होगा प्लॉट कितना है ऐसे पूछते हैं ना तो ये चीज होता है कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट हो कोई भी जगह के बारे में अगर डिटेलली बता रहे हो तो वो होता है स्पेशल विजुअलाइजेशन फैक्टर दैट मीन स्थान संबंधित कारक स्थान संबंधित कारक स्थान के बारे में स्थान में रहने वाले वस्तुओं के बारे में आप डिटेल बता रहे हो ठीक है स्पेशल विजुअलाइजेशन फैक्टर अभी नेक्स्ट आता है मेमोरी फैक्टर ये तो जानते हो स्मृति मतलब आप बोल सकते हो स्मृति बोलते हो उड़िया में बट हिंदी में स्मृति दैट मीन्स कोई भी चीज़ को याद रख सकते हो रिकॉल कर सकते हो रिकॉग्नाइज कर सकते हो रिकॉल करोगे तो रिकॉग्नाइज करोगे अगर मुझे आप याद ही नहीं रख सकते हो कि मैं कौन हूँ तो नेक्स्ट अगर दस साल बाद कहीं पे मिलोगे मुझे और भूल ही जाओगे मुझे याद भी नहीं रखोगे थोड़ा भी तो ये चीज होता है कि आपका मेमोरी में मैं स्टोर्ड स्टोर्ड हो स्टोर हो अब तो आप जिंदगी में नहीं भूलोगे ऐसा रहता है तो मेमोरी इसलिए एक फैक्टर है पे मेमोरी एबिलिटी टू रिकॉल अभी नेक्स्ट आता है लास्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी तो फैक्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग मीन समस्या को समाधान करने के लिए जो कारक रहता है दैट मीन आपके पास ना हर एक चीज का सल्यूशन है समाधान है आप अगर कोई प्रॉब्लम में फंसते हो कुछ टाइम के अंदर समाधान खुद ही निकालते हो कि नहीं दैट मीन्स आप उससे आइडिया कर रहे हो कि इस प्रॉब्लम में फंसी हो तो मैक्सिमम मैं क्या कर सकती हूँ तो उस मैक्सिमम आइडियाज के अंदर आप अपने इंटेलिजेंस को ही लगाते हो बुद्धि को लगाते हो तो उससे आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हो अकेले से ठीक है जब अकेले में नहीं होता तब हम किसी के सपोर्ट में आते हैं कि सपोर्ट दे दो हम करेंगे एक साथ तो उसको भी एक टर्म है उसको भी बोला जाता उसको है उसको जेड पी डी बोलते हैं वो बच्चों के लिए तो क्लियर है जेड पी डी बाद न्यू और कुछ कुछ थ्योरीज ठीक है इसके साथ और कुछ कुछ थ्योरीज है अभी के लिए एक चीज बता रही हूँ आपको जो भी लिख के दे रही हूँ नोट्स बना के दे रही हूँ प्लीज उतना नोट डाउन करके पूरा रख लो ठीक है आप अभी एक आध बुक का अगर सीख लोगे तो नेक्स्ट से आप खुद भी बना सकते हो नोट्स कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो ये नोट्स पूरा बना के रख लोगे एग्जाम में कितना सॉरी कैसे लिखोगे कितना लिखोगे एक ना एक ऑफलाइन क्लास तो जरूर करेंगे हम लोग ठीक है उसमें मैं बहुत ही डिटेल्ड वे में और भी बता दूंगी सारा कुछ बता दूंगी ऑफलाइन में होगा तो कैसे लिखना है ऑनलाइन में होगा तो कैसे लिखना है सब कुछ डिटेल में आपको बताया जाएगा तो अभी से उसके लिए टेंशन मत लो एग्जाम से वन वीक फिफ्टीन डेज पहले वो चीज किया जाता है तो उसके लिए अभी से छोड़ दो अभी के लिए सारा नोट्स पढ़ के रखो समझ के रखो नोट डाउन प्रैक्टिस जितना करना है करके रखो ठीक है अभी चलो कॉग्निशन थ्योरीज अभी कॉग्निशन थ्योरीज ये चार थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थे इसके बाद और भी छोटे छोटे थ्योरीज आते हैं बहुत सारे थ्योरीज हैं एंड इसके ऊपर ओ में बहुत क्वेश्चन आते हैं ओ टी में बहुत क्वेश्चन आते हैं इसलिए इसको इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है ठीक है ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है आपके बुक्स में ठीक है सबसे बड़ा क्वेश्चन है सो कॉग्निशन थ्योरीज जो होता है कॉग्निशन मीन्स क्या है ज्ञान मतलब बुद्धि के रिलेटेड जो थ्योरीज है बुद्धि के सिद्धांत आप मेंशन करोगे यहाँ पे तो दीज थ्योरीज आर अदरवाइज कॉल्ड प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज तो इस थ्योरीज को और क्या बोल सकते प्रोसेस ओरिएंटेड प्रक्रिया अंतर्गत अंतर्गत सिद्धांत प्रक्रिया मतलब ये एक प्रक्रिया में है काम कर रहा कर्मरत है तो इसलिए इसको बोलते हैं प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज ठीक है दे फोकस ऑन इंटेलेक्चुअल प्रोसेसेस अभी मैंने इंटेलेक्चुअल वर्ड यूज किया था फर्स्ट में ही जब क्लास स्टार्ट की तो इंटेलेक्चुअल होता आपका बुद्धि तो बुद्धि के लिए आपने यहाँ पे यूज किया इसको फोकस किया किसमें बुद्धि के प्रक्रिया के लिए बुद्धि के विकास के लिए ठीक है तो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस में इसको यूज करते हैं और क्या चीज में यूज करते हैं द पैटर्न ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग इन पीपल यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम यहाँ पे हम ना पैटर्न यूज करते हैं अभी पैटर्न क्या है पैटर्न बोल सकते हैं ना आकार है अच्छा सारे आप लोग बोलते हैं ना सबका फेस सेम नहीं होता तो फेस का भी एक एक पैटर्न है ना जैसे किसी का फेस रहता है गोल थोड़ा किसी का फेस थोड़ा सा लंबा होगा किसी का थोड़ा सा छोटा होगा ऐसा होता है ना कलर वाइज भी वेरिएशन आते हैं तो ये हो गया एक एक पैटर्न अभी ये पैटर्न जैसे ना बुद्धि में भी पैटर्न होता है आपको एक काम दिया गया ठीक है सेम काम आपके दोस्त को भी हमने दिया ठीक है दोनों को सेम काम दिया गया है बट दोनों की बुद्धि जो अप्लाई किया जाता है ना बुद्धि को आपने यूज किया व्यवहार किया वो अलग अलग है आपने क्या किया उसको थोड़ा लॉन्गर पीरियड तक समझा फिर उसको सॉल्व किया एंड लास्ट में एक सिद्धांत तक पहुंचे मीन्स रिजल्ट तक पहुंचे उसने भी किया बट वो बहुत ही कम समय में कर लिया ठीक है तो ये होता है कि आपके इंटेलेक्चुअल जो प्रोसेस है मतलब इंटेलिजेंस है ये अलग अलग होता है इसका पैटर्न अलग अलग है ठीक है इसका जो आकार बोल सकते हैं इसका तो डेफिनेट आकार नहीं रहता है फिर भी उसको माप सकते हैं हम लोग नाप सकते हैं तो मेजरमेंट जो रहता है वो अलग अलग रहता है ठीक है ये आपको हेल्प करेगा कोई भी प्रॉब्लम के साथ डील करने के लिए एंड उसको सॉल्व करने के लिए ठीक है, दे आर कॉल्ड फोकस कहाँ पे है cognitive process के ऊपर है, Means आपके बुद्धि के प्रक्रिया के के ऊपर है, बुद्धि विकास के ऊपर है तो यहाँ पे ना इसके अंदर अगेन कितने थ्योरीज आ गए देखिए तीन थ्योरीज आ गए फर्स्ट थ्योरी कैटल एंड कैटल एंड हॉर्न्स थ्योरी नाम को रिपीट कर रही हूँ याद रखो पूरा कैटल एंड हॉर्न्स थियोरी नंबर टू इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी इसको शॉर्ट में बोलते थियोरी आईपीटी ऑफ इंटेलिजेंस आईपीटी ऑफ इंटेलिजेंस ठीक है नंबर थ्री में है जेंसेंस थ्योरी ऑफ मेंटल फंक्शनिंग जेंसेंस थियोरी ऑफ मेंटल फंक्शनिंग ठीक है जैनसन एक पर्सन का नाम है जो कि इंटेलिजेंस के ऊपर वर्क करते थे उन्होंने मेंटल फंक्शनिंग दिमागी हालत और दिमाग के जो काम है उसके ऊपर उन्होंने बताया था ठीक है अभी एक एक के ऊपर चलते हैं तो पहला थ्योरी पे आता है कैटल एंड हॉर्न्स थ्योरी सो कैटल 1971 एंड हॉर्न 1978 दोनों ने एक साथ थ्योरी को नहीं बनाया पहले 1971 पे कैटल ने बना दिया एक थ्योरी इंटेलिजेंस के ऊपर बुद्धि के ऊपर 1978 में फिर से उस थ्योरी के ऊपर काम किया हॉर्न ने इसलिए दोनों को मिला के जो रिजल्ट आया उस थ्योरी का नाम होता है फ्लूइड इंटेलिजेंस एंड क्रिस्टल इंटेलिजेंस थ्योरी तो मैं बताऊंगी अच्छे से आपको यहाँ पे मैंशन है इसका नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस यहाँ पे मैंशन है उसके अकॉर्डिंग देखिएगा ठीक है इसको कहा जाता है फ्लूड फ्लूड ठीक है फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस अच्छे से सुनिए फ्लूड एंड क्रिस्टलाइज्ड अभी फ्लूड क्या है ठीक है दिस इज एन इनेट बायोलॉजिकली और जेनेटिकली डिटर्मिंड कैपेसिटी एंड नॉट इंफ्लुंस्ड बाय एजुकेशन और ट्रेनिंग इतना याद रहेगा ये आपको पैदाइशी मिलता है मीन्स बाई बर्थ आपको मिल जाता है ठीक है फ्लुइड इंटेलिजेंस जो है फ्लूइड बुद्धि जो है ये आपको जन्मगत हम बोल सकते हैं जन्म से ही मिल गया मतलब जन्मगत है आपको जन्म से ही मिल गया बाय बर्थ यू हैव इट और यू गेट इट ओके आपको मिल गया या आप लिए हुए हो अभी इसमें कोई भी चीज़ इन्फ्लुएंस नहीं करेगा दैट मीन्स आउटर एनवायरमेंट एजुकेशन कोई भी चीज इसको इन्फ्लुएंस नहीं करेगा ठीक है ये होता है कि फ्लूड जो इंटेलिजेंस रहता है ये आपको हेल्प करता है एवरी पॉइंट पे एवरी वर्क पे कोई भी चीज में आपको प्रॉब्लम हुआ तो उसको कैसे सॉल्व करना है उसमें हेल्प करेगा ये कोई भी स्ट्रेंज सिचुएशन मीन्स अवास्तविक सिचुएशन मतलब वास्तव में वो होना नहीं था बट अकस्मात हो गया दैट मीन्स अनफॉर्चुनेट वे में वो हो गया ठीक है सो अनफॉर्चुनेट वे में जब हो जाता है देन आप ऐसा बुद्धि को यूज करते हो तो उसको कहते हैं फ्लूड इंटेलिजेंस जैसे हो गया ना प्रेजेंस ऑफ माइंड बोलता है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड ऑन दिस सिचुएशन यू हैव द आइडिया अबाउट दिस पॉइंट एंड यू सॉल्व इट ओके यू कैन सॉल्व इट तो आपके पास आइडिया है कि आप कोई भी सिचुएशन में जाओ वहां पे सॉल्व करके आ जाओगे तो वो होता है फ्लूइड इंटेलिजेंस उसको कहोगे फ्लूइड इंटेलिजेंस आपका इंटेलिजेंस पावर अच्छा रहेगा अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छा रहेगा आपको फुल्ली एबिलिटी है कि आप लोगों के साथ बात कर सकते हो समझ सकते हो ऐसा तो उसको कहते है फ्लूड इंटेलिजेंस अभी नेक्स्ट आता है क्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस ठीक है क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस में देखो ये जो पॉइंट था क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस सो ये थ्योरी भी वही कैटल्स एंड हॉर्स के थ्योरी में कंटिन्यूएशन में ही है कि क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस जो है इट इज ए लर्नड और एक्वर्ड कैपेसिटी आपने बाय एजुकेशन और बाय प्रैक्टिस इसको एक्वर किया एडप्ट किया ग्रहण किया कैसा होता है जैसे आपको एक चीज ना पढ़ने को मन नहीं है बट आपको जब इंटरेस्ट आया ना आप पढ़ने सीख गए ठीक है तो वो होता है आपने जन्म से वो कैपेसिटी आपके पास नहीं है जन्म के बाद आपको किसी से इंटरेस्ट लगा तो आपने उस कैपेसिटी को अपनाया एंड उसके थ्रू आगे बढ़ा ठीक है तो ये होता है क्रिस्टलाइज्ड मीन जहाँ पे आप नॉलेज को सीखते हो स्किल्स सीखते हो डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स कल्चर ट्रेनिंग ट्रेडिशन ऑफ द सोसाइटी एंड कैसे कल्चर्स के साथ आपको डील करना है कैसे वर्ल्ड के जो अफेयर्स हैं उसके साथ डील करना है, कोई भी एक न्यू सिचुएशन के साथ कैसे डील करना थ्रू आउट द लाइफ उसके साथ एडजस्ट करना है, वो चीज आप क्रिस्टल सॉरी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस में सीखते हो ठीक है फ्लूइड इंटेलिजेंस आपको जन्म से ही मिला है फ्लूइड बुद्धि आपको जन्म से ही मिलता है जो माता-पिता से आता है वी वी हेडेड फ्रॉम द फ्रॉम आवर पेरेंट्स नॉट फ्रॉम द एनवायरनमेंट बट क्रिस्टलाइज्ड आप कहां से लेते हो आपको एनवायरनमेंट से मिलता है एंड कोई भी एज में ये बदल सकता है ठीक है तो ये हो गया एक्वर्ड वो हो गया इनेट क्रिस्टलाइज हो गया एक्वर्ड एंड फ्लूड हो गया इनेट इतना समझ आया ये थ्योरी समझ आया ये सुन ओके बार बार बोलने से ही होगा क्योंकि क्रिस्टलाइज एंड के अंदर कन्फ्यूजन रहेगा नहीं तो फ्लूड लिक्विड मैटेरियल जैसा है तो लिक्विड मैटेरियल जैसा आपने पहले से ही कैरी करके लाया है भी अगर कोई चीज को ग्रहण करते हो सीखते हो डांस सीख लिया सिंगिंग सीख लिया या फिर कोई पोएम रिसाइट करने के लिए सीख गया तो ये सारा चीज होता है आपने अभी सीखा तो ये हो गया एक्वर्ड ठीक है ये naturally आपके बॉडी में नहीं है awkward, आपने ग्रहण किया किया अभी के में किया उसको ठीक है तो ये हो गया थ्योरी पे चलता हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी ये इंटेलिजेंस का नेक्स्ट थ्योरी है दैट इज इसको हम क्या बोले आईपीटी सो so, ये थ्योरी को किसने डिस्कवर किया देखिए दिस थ्योरी वाज प्रपोज बाय अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट स्टर्नबर्ग एक अमेरिकीय इसको हिंदी में बोलेंगे तो अमेरिकी होगा अमेरिकीय साइकोलॉजिस्ट मनोविज्ञान रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने इसको क्या क्या डिस्कवर किया या फिर इसको इन्वेंट किया या फिर इसको निकाला उद्भावन किया ऐसा आप मेंशन कर सकते हो 1984 में तो ही नाइनटीन इन्होंने फोर किया दो चीजों को फिर से आया एक होता है आई पी सी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कॉम्पोनेंट ये देखो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कॉम्पोनेंट और एक होता है मेटा कॉम्पोनेंट एक होता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कॉम्पोनेंट आईपीसी और एक होता है मेटा कॉम्पोनेंट एम अभी इसको आप अच्छे से याद रखोगे आई पी सी एंड एमसी को तो कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं देखो कंपोनेंट्स जो कि आपको हेल्प करते हैं कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ठीक है जैसे कि आपको रोटी बनाना नहीं आता या फिर कोई खाना बनाना तो आप क्या करते हो पहले पानी भरोगे फिर उसको गैस जलाओगे गैस पे डालोगे देन चावल डाले या सब्जी डाले देन कोई भी एक आइटम बना ले ठीक है तो इतने सारे स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा तो ये चीज होता है जो स्टेप्स होते हैं ना ये सारे वन टाइप ऑफ कंपोनेंट्स के ही पार्ट्स हैं जो कि कोई भी प्रॉब्लम को समस्या को समाधान करने के लिए हेल्प करता है एंड मेटा कंपोनेंट्स क्या है कि आप बेसिक नॉलेज गेन करते हैं वन हैज़ टू नो टू सॉल्व द प्रॉब्लम आपके पास जो नॉलेज है ना आप लोगों को देखते हो टीवी से देखते हो कुछ ना कुछ तो सीखते हो तो वैसे प्रॉब्लम में अगर फंस गए तो कैसे उसके साथ डील करोगे वो चीज़ करते हो ठीक है तो ये दो चीज है ज्यादा लिख नहीं पाए इतना तक भी लिख दिए तो बहुत है कि एक चीज को आप यूज करते हैं अच्छे से काम करने के लिए स्टेप वाइज मैनर में और एक चीज को यूज करते हैं कि फर्दर उस नॉलेज को आप यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके ठीक है सॉल्व कर सके एंड कंप्लीट कर कर सके टास्क को तो पहले तो मुझे कोई काम करना तो उसके लिए इंफॉर्मेशन कैरी करना पड़ेगा तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंपोनेंट वो बन जाएगा अगर उस टास्क को कंप्लीट करके मैंने नॉलेज को बहुत अच्छे से यूज़ किया दैट मीन्स हो गया मेटा कंपोनेंट यूज हो गया तो ये दो चीज हमने यहाँ पे यूज किया एक साथ सो so, इन्फॉर्मेशन ये आपके बुक में है नहीं एक्स्ट्रा मैंने बोला ये ओ टी इटी सी टी ई टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ठीक है ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए अभी से मैंशन करी बच्चे पढ़ते नहीं है एंड एग्जाम में हो नहीं पाता उनसे इसलिए अभी से स्टार्टिंग पॉइंट है मैं बता दे रही हूँ इस पर चलो इसलिए बोल रही हूँ ना कि कोई कोई चीज में इतना ज्यादा प्रेशर नहीं डालो ये जो यहाँ से आपने कैटल एंड हॉन्स थ्योरी से पढ़ाना ये सारा चीज एक्स्ट्रा में आता है देखो इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट अलग से ही किया था कि कॉग्निटिव थ्योरीज का अलग ही पॉइंट है ये जो दो पेज आएगा दो पेज है आई थिंक रुके मैं बताती हूँ हाँ गिलफोर्स थ्योरी तक ये और भी है हाँ यहाँ तक जो पॉइंट आता है यहाँ तक आपका मैं कहा मेंशन कर रही हूँ वेट यहाँ तक जो पॉइंट है ना यहाँ तक एक्स्ट्रा पॉइंट है कुरुक्षेत्र स्टूडेंट के लिए नागार्जुना स्टूडेंट्स आपके लिए कंपलसरी पॉइंट्स है आपके बुक में सब मेन्शन है इसलिए आपके लिए कंपल्सरी पॉइंट्स है ढूंढ अच्छा, रहे हो नागार्जुन स्टूडेंट्स हो तो तो वहाँ पे ना अलग वे से कहा गया है मैंने थोड़ा चेंज करके दिया है ठीक है वहाँ पे एक दो पॉइंट मिसिंग है एक दो थ्योरी मिसिंग है ठीक है आपके क्वेश्चन में मेंशन है गार्डनर का थ्योरी एंड गार्डनर का थ्योरी तो आपके बुक में है ही नहीं ठीक है तो उसको भी लास्ट में पढ़ाऊंगी तो वैसे वैसे कुछ कुछ चीजें होते हैं जो है ही नहीं बट क्वेश्चन कॉग्निशन थ्योरी में हम आ गए थे यहाँ पे सो मेटा कॉम्पोनेंट एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कॉम्पोनेंट सिर्फ इतना याद रखिए हमारे पास दो कॉम्पोनेंट है गया। एक था हाँ सब लिखिकी रखे सब लिखिकी रखिए লাস্টে আপন মান্সাম থাকবো সে টাইম রিভাইজ ক্লাশেস হব সেই রে সব পয়েন্টস আগে কেবি কিছু আরামসে সে একজাম টাইম ছোট হয়ে যাবে বেশি লেখিকি রার্কসট্রা পাইবে না সেই লেখা ঠিক আছে ওকে চলুন হ্যাঁ IPC पी सी दैट इज हाँ थैंक यू इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंपोनेंट और एक हो गया मेटा कंपोनेंट तो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंपोनेंट में आप क्या करेंगे हर एक चीज को स्टेप वाइज मैनर में करेंगे मेटा कंपोनेंट में आप नॉलेज का यूज करेंगे कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इतना याद रहा बस इतना इनफ है इसके लिए स्टेप्स भी मैंने मैंशन कर दिए क्योंकि क्या होता है ना जैसे कि सोच लीजिए अभी कुछ कुछ ब्रैकेट में जो फंक्शंस मैंशन है ना वही किया जाता है ये आ, में आईपीटी में फर्स्ट क्या किया जाता है एनकोडिंग होता है अभी देखिए मैं ना कुछ इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ तो ये मोबाइल के थ्रू आपके पास पहुंच है ये आईसीटी में नागाजुना बच्चे आप लोग फिर से पढ़ोगे एनकोडिंग डिकोडिंग ठीक है मेरा जो इन्फॉर्मेशन है ना आपको साउंड आपको साउंड आ रहा है आप उसको रिकॉल कर रहे हो रिकॉग्नाइज कर रहे हो मेमोरी में स्टोर कर रहे हो कि मैम ये ये बात बोल रही है इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है ये मोबाइल के थ्रू एनकोडिंग होके एनकोडिंग फॉर्म में आप तक पहुंच रहा है सो so, इसको बोला जाता है तो प्रॉपर इनकोडिंग इन्फॉर्मेशन को पहले हम क्या करेंगे आइडेंटिफाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे इन्फरिंग करेंगे मीन्स जो वो एनकोडिंग इन्फॉर्मेशन है जहा पे सोचो मैं कुछ बात बोली तो वो ना एक एनकोड फॉर्म में रहता है जैसे आपके फोन में पासवर्ड है ठीक है उस पासवर्ड को अगर ओपन करते हैं तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगे तो वैसे ही मेरे चीजों को अगर आप सोचोगे समझोगे तो उसके अंदर भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिले तो एनकोडिंग के बाद आप डिकोडिंग करते हैं कोई चीज को समझने के लिए उसको बोलते हैं इन्फरिंग ठीक है इन्फरिंग के बाद हम क्या करेंगे ना दोनों चीजों के अंदर मीन्स पहले मेरे पास ना इतने इन्फॉर्मेशन थे अभी न्यूली इतने इन्फॉर्मेशन मिले सो so, दो टाइप का इन्फॉर्मेशन आया देखिए यहाँ पे अगर मैं बोलूँ पहले से आपके पास इतने इन्फॉर्मेशन थे अभी ना एनकोडिंग के बाद और भी इतने इन्फॉर्मेशन एंटर हो गए ठीक है तो आपका इन्फॉर्मेशन का लेवल क्या हो गया बढ़ गया आपका इन्फॉर्मेशन का लेवल बढ़ गया

अप्लाई करके देखना पड़ेगा ना कि ये हो रहा है कि नहीं काम तो ये हो गया एप्लीकेशन नेक्स्ट होता है ना कुछ कुछ गलतियां रह गई ठीक है गलतियां रह गई तो उसको जस्टिफाई करना कि हाँ पर्टिकुलरली इस पॉइंट में गलत है क्यों हुआ गलती ये इस चीज के लिए गलती हुआ उसको कहते हैं जस्टिफिकेशन मतलब जैसे मैथ्स करते हो ना तो मैथ्स के बाद एक होता है मैथ्स बहुत में होते हैं जैसे तो उसके पैटर्न और वेज अलग अलग होते हैं एक ही मैथ्स के बहुत सारे वेज होते हैं अभी जब वेज के अकॉर्डिंग आप जा रहे हो तो कौन सा वेज कहाँ पे यूज होगा ये भी मेंशन होता है सल्यूशन में तो यहाँ पे जब सल्यूशन आप किसी चीज का देते हो एंड उसको पर्टिकुलर एक एग्जाम्पल और एविडेंस और प्रूफ के साथ आप वहाँ पे शो करते हो तो उसको जस्टिफिकेशन हम बोलते हैं ठीक है अभी जस्टिफिकेशन के बाद अगर आपका करेक्ट सोल्यूशन आपने प्रोवाइड कर दिया तो क्या मिलना चाहिए रेस्पॉन्स दैट मीन्स फीडबैक फॉर्म में ये हो गया फीडबैक और रेस्पॉन्स इतने पॉइंट्स अगर याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा फ्यूचर के लिए रखने दो रहने दो आपके पास रख लो ठीक है बट अभी के लिए इतना पॉइंट्स अगर एग्जाम में स्किप भी करोगे चलेगा कोई कोई जरूरत नहीं है याद रखने का. ठीक है ओनली एग्जाम के लिए छोड़ देना बट बाद में जो दोगे उसके लिए याद रखना हो गया अभी देखो नेक्स्ट में चलते हैं जें थ्योरी ऑफ मेंटल फंक्शनिंग जेंसन्स का जो थ्योरी है वो मेंटल एबिलिटी के ऊपर चलता है अभी वो 1969 में प्रपोज किए एंड इनका पूरा नाम है अर्थर जेंसन अर्थर जेंसन प्रपोज दिस थ्योरी

तो उसके अकॉर्डिंग ये यूज होता है ठीक है अकॉर्डिंग टू हिम द फंक्शनिंग ऑफ वंस माइंड किसी का दिमागी बुद्धि कोई काम के लिए किसके ऊपर निर्भर करेगा नॉलेज के ऊपर या फिर कोई भी इंटेलिजेंस जो आप कैरी करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा दैट मीन्स इस इंटेलिजेंस के ऊपर आपका दिमाग का फंक्शन डिपेंड करता है इसको कहते हैं एसोसिएटिव एबिलिटीज एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज कॉग्निटिव मीन्स नॉलेज और किसी चीज को याद रखना एंड उसके साथ संबंध बना के दैट मीन्स इन द विद द एसोसिएशन इन द वर्ड विद द एसोसिएशन ऑफ दिस नॉलेज यू कैन परफॉर्म दिस फंक्शन ठीक है इसको बोलते हैं एसोसिएटिव एबिलिटी तो उसी को मैंने शॉर्ट में बता दिया बिकॉज यहाँ पे बहुत बड़ा करके मैंने लिख दिया है ठीक है उस अकॉर्डिंग आपके बुक में है नहीं तो इस हिसाब से आपके पास इतना पोशन भी लिख देते हो तो हो जाएगा कि जैनसनस थ्योरी ऑफ मेंटल फंक्शनिंग ये किसी के दिमाग के फंक्शन के ऊपर काम करता है एंड यहाँ पे दो चीज़ है एक है एसोसिएटिव एबिलिटीज कॉग्निटिव एबिलिटीज़ कोई चीज़ को सोच के याद रखो उससे नॉलेज याद रखो ज्ञान लेके रखो एंड उसी नॉलेज को यूज़ करके कोई काम को पूरा करो कोई काम को पूरा करो दैट इज एसोसिएटिव फंक्शन और एसोसिएटिव एबिलिटीज ठीक है अच्छा नेक्स्ट देखो और क्या है देखते हैं या फिर नेक्स्ट चलेंगे ठीक है अभी इसके बाद आता गिल स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल बट इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे बिकॉज और भी मॉडल है अभी और भी तीन मॉडल और भी है